इसका क्रस्ट सुनाते हैं। ये देखिए गाइस, कहीं से भी कोई भी कचौड़ी हमारी ऐसी नहीं है जो टूटी हो। ये रखने पे फूट गई, वो तो बात अलग। ये देखना, इधर से देख सकते हैं। ये देखिए कितना यम्मी बनकर तैयार है हमारी कचौड़ी। ये देख सकते हैं एकदम से। कट करके दिखाएंगे आपको। आवाज सुनिएगा, सुनिए आवाज। ये देखिए, ये हमारी फूली फूली सी यम्मी टेस्टी सी कचौड़ी देख सकते हैं। फिलिंग भी सारी तरफ है एकदम अच्छे से। तो चलिए करते हैं सर्व से। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, होली का टाइम है तो खस्ता क्रिस्पी यम्मी चने की दाल की कचौड़ियाँ बननी बनती हैं। तो ये देखिए दाल, जिसको धो करके ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। तो मिर्च, दाल और अदरक का ये बना लिया है हमने पेस्ट, देख सकते हैं। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है दाल को पीसते समय। तो ये देखिए, जब तक उसको रखते हैं साइड में और बना लेते हैं डो पहले। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी ले लिया है आटा, आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और ये हमने हाफ कटोरी ले ली है सूजी, जो कि 6 से 7 स्पून के करीब है। तो ये देख सकते हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हींग, कस्तूरी मेथी 1 स्पून। ये घर की होममेड कस्तूरी मेथी है, जो कि इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम इंडिया स्क्रीन में लगा देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये देख सकते हैं। और इसे हम, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि खस्ता और क्रिस्पी बन सके। तो ये देख सकते हैं, 2 से 3 स्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मल मल के हम इसे मिलाएंगे, ठीक है, जिससे कि इसके दाने दाने में ऑयल चला जाए। तो ये देखिए, हमने ले लिया है गर्म पानी, इतना गर्म है कि हम अपने हाथ से टच कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं। तो इससे हम लगाएंगे डो। तो डो ऐसा लगाना है जैसे हम रोटियों का लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से लगाया है कि उंगली हम कर रहे हैं अपना डो में, तो अच्छे से आसानी से जा रही है। इसी तरह का हमें डो लगाना है। और अब हम ऑयल लगाकर इसको ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड करी है। तो 10 मिनट में सूजी सोख कर लेगी मॉइस्चर को, तो वो जो हमने डो लगाया है वो सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, 2 से 3 स्पून हमने ले लिया है ऑयल, जिसमें हमने जीरा डाला है। और आप कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, अभी हमने साइड में डाला था जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं, तो इसको अब हम कर लेंगे ऑयल में सारा। और इसमें हमने जो पेस्ट पीस कर रखा था दाल का, दाल और अदरक और मिर्च का, तो वो हम ऐड करेंगे। अगर आपका लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम करके मिक्स कर लेंगे सारा कुछ। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये देखिए मिक्स करेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और कस्तूरी मेथी, इसको भी ऐड करेंगे। आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसका हम ड्राई रखेंगे स्टफिंग, क्योंकि जितनी स्टफिंग ड्राई रहेगी उतनी ही क्रिस्पी और खस्ता कचौड़ियाँ बनकर आएंगी, और 2 से 3 दिन तक खस्ता ही रहेंगी कचौड़ियाँ। तो ये देखिए, अब एक काम और हम करेंगे कि इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, जिससे कि हमें कचौड़ियाँ भरने में आसानी होगी। तो ये देखिए, सारी बॉल्स बना करके रख ली हैं, तो इन्हें हम आगे इस्तेमाल में लाएंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुका है। तो आटे को हम लेंगे फिर से मसल एक बार, और इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, जिससे कि हम कचौड़ियाँ बना सकें। तो इस तरह से देख सकते हैं, बॉल्स इतनी बनानी है जैसे हम मीडियम साइज़ की छोटी सी बॉल्स बनाते हैं रोटियों के लिए। तो हमें छोटी सी नहीं बनानी है, उससे थोड़ी सी बड़ी बनानी है, क्योंकि हम कचौड़ियाँ बना रहे हैं। ये देखिए, ये हम जैसे ये छोटी सी बॉल दिखाई आपको, तो ये रोटियों के हिसाब से, और ये हम बना रहे हैं कचौड़ियों के हिसाब से। तो चलिए, इसी तरह से बना के देखिए, हमने सारी रख ली हैं।
तो जितनी हम बनाएंगे लोइयाँ उतनी बाहर रख लेंगे और बाद बाकी ढक कर रख लेंगे, जिससे कि इनमें बाहरी हवा ना लगे। बाहरी हवा लगेगी तो ये हार्ड हो जाएगा आटा, तो इस तरह से हम ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने कटोरी की तरह बना लिया है और इसमें रखेंगे अपनी स्टफिंग की बॉल। देखिए इस तरह इसको खींचते हुए धीरे धीरे हाथों से खींचते हुए हल्के हाथों से हम ऐसे बंद करेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से बंद कर, साइड ऊपर का हिस्सा ही खींचेंगे। देखिए इस तरह से नीचे से नहीं खींचेंगे और अच्छे से इसको फिलिंग को ऊपर का भाग खींचते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ये देख इस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से ये देखिए अच्छे से भर कर तैयार है। अब इसको हम राउंड राउंड कर करके गोल कर लिया है, इस तरह से गोल कर लेंगे और हथेली की सहायता से इसको करेंगे दबाएंगे। तो इस तरह से दबाएंगे जिससे कि जो हमारी लोई है अच्छे से हो जाए, वो बराबर मात्रा में सब तरफ से फैल जाए। तो इसी तरह से देखिए कचौड़ियों को भी ढक कर रखते जाएंगे जिससे कि कचौड़ियां भी ड्राई ना हो, तो इसको भी देख सकते हैं। दूसरी इस तरह से ये देखिए एक बार देख सकते हैं जिस साइड में अच्छे इस तरह से पकड़ते हुए हमें से पकड़ कर ये धीरे से खींच खींच कर इसको बड़ा करना है, जैसे प्याली और ये कटोरी का साइड दे दिया है और वैसे बना लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, साइड से खींचते हुए अच्छे से बना लेंगे सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए दूसरी कचौड़ी भी हमारी लगभग तैयार होने जा रही है, इसे बंद करना है जिससे कि और अब इसी तरह से हम सारी कचौड़ियां बना लेंगे और इस तरह से बंद करके हम ध्यान देना है आप लोगों को इसे हथेली हमें ये उंगलियां नहीं लगानी है, इस तरह से लगानी है हथेली की सहायता से हथेली लगानी है जिसकी वजह से स्टफिंग बराबर मात्रा में इसी तरह से बना करके अगर आप उंगलियां लगा देंगे ना रखेंगे उंगली की छाप बन जाएगी और स्टफिंग इधर वाइज हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। देखिए हमने बना करके रख ली है तो चलिए अगर दाल की कोई चीज बनानी हुई तो हम दाल वगैरह पीस कर रखते हैं। ये देखिए इस तरह से अपना ऑयल लगा लेंगे अच्छे से कि आप बेलन पर भी वगैरह नहीं दिखा सकते चकले पर और इस तरह से भी और हल्के हाथों से अपना चकले पर और अपने बेलन में लगा लिया ऑयल के हाथों से बेलना है हल्के हाथों से। अगर आप हल्के हाथों से थोड़ा सा भी जोर लगा देंगे तो अगर थोड़ा सा भी प्रेस कर देंगे ना तो इधर उधर से दाल निकल जाएगी। कचौड़ी है हमारी तो हल्की इतनी मोटी हमें रखनी है तो ये देखिए थोड़ा सा और फ्लेम गैस पर हमने पहले ही ये देखिए थोड़ा सा फ्लेम कष्ट कैसा दिख रहा है चढ़ा दी थी। देखिए अगर आप बता रहे हैं कि अगर कहीं पर लग का ऐसे लोग जुक जाता है तो आप चुटकी की सहायता से यानी उंगली बंद कर देना है और अंगूठे की सहायता से दबाते हुए खाने के लिए बता रहे थे बंद कर ले। तो ये देखिए हमारी सिक्का तैयार है जाते ही और ये देखिए गाइस 10 मिनट के लिए हमने देखिए ऑयल को हमने पहले ही फ्लेम गैस पर लगाई थी 10 मिनट के लिए। तो ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, गरम देखिए अच्छे से हीट आने लगी है। तो अब ये देखिए हमने एक दो डाल कर देख लिया है तो पहले एक कचौड़ी डाली ने तो ऑयल अच्छे से हो चुका है तो हमने उसके बाद जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगी तब उसको हम ऑयल में डालकर फुलाएंगे। इसको अब हम फुलाएंगे तो देखिए इस तरह से जब हमारी कचौड़ी ऊपर आती है थोड़ा सा हम इसको अपनी चम्मच से इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे हल्का सा फिर हटाएंगे फिर दबाएंगे फिर हटा लेंगे फिर दबा देंगे हटा लेंगे अच्छे से करते हुए फूल कर अपनी कचौड़ियों को फुला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए फूल कर वो आ चुकी है कचौड़ी तो हम दूसरी कचौड़ी डाल दी है। जब हमारी देंगे एक साइड में क्रिस्पी हो जाएगी तब हम पलट कर दूसरी साइड में करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये देखिए कि कितनी अच्छे से फूली कर आई है और ये अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से पलट देंगे एक साइड। देखिए दूसरी भी हमारी तो आ गई है ऊपर तो इसको पलट कर सेक लेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर हम दूसरी भी तो ये देखिए कचौड़ी आपको दिखा रहे हैं वो भी हमारी कचौड़ी फूल कर हो चुकी है रेडी है। हम पलट कर और थोड़ा सा स्पेस और है तो एक तरफ एक थोड़ा सा रेड हो जाए तब हमें पलटना है। आपके पास कितनी कढ़ाई में खस्ता हो बस उबल दी कचौड़ियां ऐड करनी है ऊपर आ गई। देखिए गाइस हमने बिल्कुल तो हमने नहीं किया है इस जगह पे ऐड कर दी है आप देख सकते हैं। हम और सारी कचौड़ियां करते हुए खस्ता का फोड़ कराएंगे बना लेंगे। तो देखिए कुछ चीजों का ये देखिए हमारी अच्छे से खस्ता हो चुकी है कचौड़ियां अब इनको हम लेंगे कितना यम्मी कलर आया है देख सकते हैं एकदम से इसमें बस ब्राउन हो गया। कुछ चीजों का ध्यान रखना है धीरे धीरे से निकाल ज्यादा नरम नहीं लगाना है इसी तरह से सारी की सारी कचौड़ियां हल्के हाथों से तैयार कर ये देखिए इस तरह से करते देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी की सारी और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो ये देखिए हमारी की सारी बनकर तैयार है हो चुकी है यम्मी टेस्टी हमारी। तो ये देख सकते कचौड़ियाँ इनको आप 3 दिन रख कर भी खाएंगे ना तब ये खस्ता और क्रिस्प इसमें रहेंगे क्रिस्प तो बहुत अच्छे से आता है जो कि हम आगे दिखाएंगे अच्छे से। शुरुआत में हमारी वीडियो देखा होगा यार क्रिस्प तो बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनकर आती है। हम तोड़ रहे हैं गाइस तो ये देखिए गर्म है बहुत ज्यादा हम गर्म ही गर्म दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद आई है ना हाथ चल रहा है दिखाने भी नहीं दे रहे देखिए कितनी अच्छे से हम आपको गर्म ही गर्म तोड़ कर दिखा रहे हैं फूली हुई है हमारी कचौड़ी। ये देख सकते हैं हर एक कचौड़ी एकदम अच्छे से फूल कर आई है गाइस गर्म बहुत है क्योंकि गर्म ही गर्म हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं कि बच्चों को तो इतनी अच्छी लगी है
कि वो तो बस मांग मांग के खा रहे हैं। ये देखेगा तो कितनी यम्मी से खेल कर आई है सारी की कचौड़ियाँ। ये देखिए इस त्योहार इस होली पर अभी हम जरूर बनाए एक बार कचौड़ी, घर वाले एकदम खुश होने वाले हैं आपको आपकी ये कचौड़ियाँ। ये इसको हम नाइफ से ही कट करके दिखाते हैं आपको, अगर गर्म बुखारे हाथ नहीं लगाया जा रहा है। ये चीज आप कचौड़ियाँ कट कर कर भी हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से ट्रे पे रखा और ये देख सकते हैं एकदम से यम्मी टेस्टी लगती है क्रिस्पी हमारी कचौड़ियाँ। तो ये देखिए कितनी फूल। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।